2 अगस्त 1981 मध्य रात्रि के समय एक मालवाहक जहाज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मध्य सफर कर रहा था। खराब मौसम के चलते रास्ता भटककर जहाज एक टापू से जा टकराया। जहाज के खराब होने की वजह से कप्तान ने जहाज पर रुककर और मदद का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद वॉच टॉवर पर खड़े व्यक्ति ने कुछ लोगों को अपनी ओर आते देखा। घुंघराले बाल, शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ में हथियार और एकदम आक्रामक मूड में। कुछ देर बाद उन पर हमला शुरू हो गया। किस्मत अच्छी थी कि तेज हवा की वजह से तीर उन तक पहुंच नहीं रहे थे, तो जहाज की हाइट ज्यादा थी और ऊपर कोई चढ़ने नहीं पाया। 1 सप्ताह बाद इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर ने उनका रेस्क्यू किया। यह सब हुआ अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर, जो कि पोर्ट ब्लेयर से महज लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। आपको यह शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ में गूगल मैप में आप देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। माना जाता है कि यहां के लोग स्टोन एज यानी 15,000 से 30,000 वर्ष पहले आकर बसे थे, तभी से यहीं पर ये हैं और बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग। ये अलग इसलिए भी हैं बाकी दुनिया से क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं। जब भी इनसे संपर्क की कोशिश हुई, इनकी तरफ से विद्रोह ही देखने को मिला। फर्स्ट टाइम 1771 में जॉन रिची ने इनके पास से गुजरते हुए कुछ लाइट इज आयरलैंड पर ऑब्जर्व किया था। इनका पहली बार बाहरी लोगों से सामना ऑन रिकॉर्ड 1867 में 106 पैसेंजर वाला इंडियन मर्चेंट नेवी के जहाज में फंसे लोगों से हुआ। यह जहाज इस आयरलैंड में जाकर अटक गया और किसी तरह इन्होंने रॉयल नेवी की हेल्प से अपनी जान बचाई थी। 1880 में पोर्टमैन नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर सेंटली से कांटेक्ट के लिए यहां इस आयरलैंड पर जाता है और वहां से एक बुजुर्ग दंपत्ति और 4 बच्चों को किडनैप कर लेता है। बुजुर्ग दंपत्ति मर जाते हैं और बच्चे लगातार बीमार रहने लगते हैं। इसका रीजन था कि सेंटिनलीज हजारों सालों से बाहरी कांटेक्ट में नहीं है और इस वजह से इनका जेनेटिक इम्यूनिटी काफी कमजोर हो गया है। इनकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है बीमारियों के प्रति। बच्चों को तो वापस द्वीप पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोचिए ये बच्चे जब वापस आइलैंड गए होंगे तो अपने साथ कुछ वायरस बीमारियों को कैरी करके ले गए होंगे। औरों को भी इन्होंने इफेक्ट किया होगा। यह भी एक रीजन माना जाता है उनके वायलेंस के पीछे। लंबे समय के बाद 1967 में भारतीय गवर्नमेंट ने उनसे कांटेक्ट का प्रयास किया। Sentinelies were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration. इसके लिए त्रिलोकनाथ पंडित जी के नेतृत्व में एक टीम वहां गई। इनके साथ गवर्नर भी वहां पर गए थे। इन्हें वहां जाकर कुछ मिला नहीं, लेकिन कुछ फुटप्रिंट्स मिले जिन्हें फॉलो करते हैं। ये लोग लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर गए तो वहां लगभग 18 झोपड़ी ग्रुप में कुछ इधर उधर 1-2 मिली। ये लोग अपने साथ ले गए, कुछ गिफ्ट छोड़कर आए। 1970 में एक स्टोन स्लाइड इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया और यह मेंशन किया गया आइलैंड भारत का है। 1974 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम पीएन पंडित जी के साथ आयरलैंड पर गई। ये अपने साथ कुछ गिफ्ट जैसे सुअर, डॉल, नारियल आदि लेकर गए थे और वहां जाकर इन्होंने किनारे पर छोड़ा और पीछे हटकर ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने देखा कि जो सुअर और डॉल थी उस पर पहले तीर से हमला किया गया, उसके बाद उन्हें बालू में दबा दिया गया। नारियल सेंटिनली अपने साथ ले गए। सेंटिनली ने टीम पर अटैक भी किया। इनका एक सदस्य घायल हुआ और ये लोग वापस चले आए। 1981 की प्रिमरोज की स्टोरी मैंने बताई ही इसी से सेंटिनलीज लोहे के संपर्क में आए और जहाज का जो लोहा था को किसी तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। तीर की नोक पर लगाकर वहां ये लोग इसका यूज करने लगे। लगातार कई बार इनसे संपर्क का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन 1991 में ऐतिहासिक घटना हुई। फर्स्ट टाइम इनका फ्रेंडली कनेक्ट देखने को मिला जब मेंबर मधुमाला चट्टोपाध्याय जी ने कोकोनट ऑफर किया बाय हैंड, तो वहां जो सेंटलिज थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया। लेकिन तभी इन पर एक सेंटलिज ने तीर से निशाना भी साधा, लेकिन वहां एक लेडी सेंटनली थी, उसने उसके डायरेक्शन को चेंज किया। 1 मंथ बाद फिर एक बार पॉजिटिव कनेक्शन देखने को मिला, लेकिन इसके बाद कई बार फिर प्रयास किए,
लेकिन हर बार उनकी ओर से एग्रेसन ही देखने को मिला। वह लोग नहीं तैयार थे वह वापस मिलने के लिए, क्या रीजन है किसी को नहीं पता। लैंग्वेज समझने के लिए लगभग 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ओंगी जनजाति रहती है, उनको भी लेकर जाया गया, लेकिन देखने को मिला कि ओंगिस ट्राइब की लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। 1997 को इंडियन गवर्नमेंट ने इस आयरलैंड पर जाने से बैन कर दिया। 2004 की सुनामी के बाद जब सर्वे टीम को वहां भेजा गया तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए तब भी उन पर भी अटैक किया गया और देखा गया कि ये लोग सुनामी से सुरक्षित थे। 2006 में एक इवेंट हुआ जब दो मछुआरे भटक पर इस आयरलैंड पर चले गए तो उनको भी मार दिया गया और बॉडी को बालू में दबा दिया। इस इवेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 5 किलोमीटर की रेंज को प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया और कोस्ट गार्ड की तैनाती कर दी। लास्ट इवेंट्स लगभग हाल ही में 2018 का है जब एक ईसाई मिशनरी जॉन चाउ यहां अवैध रूप से चुपके से उनसे मिलने गया। उसने 3 बार इन लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास किया, 2 बार तो यह किसी तरह बच गया लेकिन 3री बार अटैक में गया और इसकी बॉडी किनारे पर टांग दी। बॉडी के रेस्क्यू के लिए टीम जाती थी तो उन पर भी अटैक हुए, बॉडी रेस्क्यू नहीं की जा सकी। इनके बारे में अभी तक जो जानकारी है अगर बात की जाए तो ये लगभग 50 से 500 के बीच में है। ये केवल एक अंदाजा है और उनकी सही गिनती नहीं हो सकी। ग्रुप में रहते हैं ये, मुर्दा बॉडी को जंगल में वापस नहीं ले जाते। इनकी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास है और ये नेचर से एकदम कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं इस छोटे से जंगल में। ये लोग अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित कर रहे हैं। कुछ लोगों की राय है कि इनसे लगातार कनेक्शन का प्रयास जारी रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए। मेरी राय है कि इन्हें ऐसे ही आइसोलेट रहने देना चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि जब भी ट्राइब्स से कनेक्शन की कोशिश की गई है, खासकर अंडमान निकोबार ट्राइब्स की, तो इनको हार्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जारवा ट्राइब्स के लोग आज भी जो हमारे पैकेट बंद फूड्स है उसको पचा नहीं पाते हैं। कभी इनकी संख्या हजारों में थी, अब 250 ही बची है। पहले शराब, तंबाकू इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इनको इसकी लत लग गई है और कई जनजातियां तो एकदम अस्तित्व ही उनका समाप्त हो गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इन लोगों को ऐसे ही आइसोलेट और खुश रहने देना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी कि सेंटिनल द्वीप और वहां के निवासियों के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर अगली मुलाकात के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।